हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, दिस इज़ विनय पांडे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट शुरू करने से पहले आपको मैट्रिसेस के सारे नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट बेस्ड है मैट्रिसेस पे। बेसिक स्टार्टिंग से अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट्स की, तो किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था? ए आई जे एम बाय एन। मैट्रिसेस से मैं आगे लेकर के आपको चल रहा हूँ, जिसमें एम क्या रिप्रेजेंट करता था उसके नंबर ऑफ रोज को उसी मैट्रिक्स के, और एन क्या रिप्रेजेंट करता था उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब अगर हम बात करें किसी भी मैट्रिक्स में, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके अलावा फिर हमने वो इन्वोल्यूटरी, आइडिम्पोर्टेंट वगैरह सारी मैट्रिसेस पढ़ी थी। उन सारी मैट्रिसेस को छोड़ करके आप सिर्फ एक मैट्रिक्स पे फोकस करिए, और वो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। फिलहाल आप ये भूल जाइए कि आपको और कोई मैट्रिक्स इसके अलावा आती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स थी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते थे, यानी कि एम इक्वल टू एन होगा। उसी केस में हमने उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला था। फॉर एग्जांपल, ए इक्वल टू ए आई जे 2x2 या 3x3 या 4x4, इस तरीके की मैट्रिक्स जो होंगी उनको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला था। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली है क्या? डिटर्मिनेंट क्या है? मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो A11, A12, A21, A22, ये बनेगी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और जो आपका राइट साइड में जो मैट्रिक्स है वो भी इसी तरीके से स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी। अब क्लोज्ड जो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट था, उस तरीके से नहीं आएगा, अब स्ट्रेट लाइंस होंगी। A11, A12, A21, A22। तो ये जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इस फॉर्म में लिखते ही ये जो मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एग्जाम्स में ये गलती करते हुए कि वो मैट्रिक्स के जगह पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं, या डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स का साइन लगा देते हैं। तो ये, इसके लिए आपको बी केयरफुल, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल यूज़ करना है, कहाँ पे डिटर्मिनेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको वो सिंबल यूज़ करना है, पहली बात। दूसरा, आपको ये बता दूँ कि इट इज़ नॉट अ मॉड्यूलस। आपने मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर देखा हुआ है, किसी भी नंबर का मॉड देखा हुआ है, तो वो जो मॉड होता है, इलेवेंथ में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी देखा होगा, मॉड में हम इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट एक्ट लाइक अ मॉड, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ही है। तो आप ये मत करिए कि इसमें जो कोई नंबर नेगेटिव आ रहा था उसको आपने पॉजिटिव कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो सिंबल, दूसरा किसी भी जो मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे इट इज़ नॉट अ मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस नहीं है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैं स्टार्टिंग से अगर बात करूं, 1x1 की मैट्रिक्स, 1x1 की मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A11, ये आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे A इक्वल टू -5 है, ये भी एक 1x1 की मैट्रिक्स है। जब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -5 का डिटर्मिनेंट। इट इज़ नॉट अ मॉड्यूलस, तो इसको +5 नहीं लिखेंगे आप, आंसर इज -5 ही आएगा इसका आंसर। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, मैं आपको ये बताऊं, बहुत सारी बुक्स में ये मेंशन किया है कि 1x1 का जो मैट्रिक्स होती है उसका आपको मॉड्यूलस, सॉरी, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, अपने बुक्स के अकॉर्डिंग देखना है कि 1x1 मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट दिया है या नहीं दिया है। बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जाएगा। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि 1x1 का भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इस तरीके से आएगा, और उसका जो मॉड्यूलस है वो मॉड्यूलस और डिटर्मिनेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आते हैं 2x2 की मैट्रिक्स में। 2x2 की मैट्रिक्स अगर हम बात करें, ये है, इसका मॉड जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
आपने क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी थी, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यहाँ पे ऑलमोस्ट उसी तरीके की मेथड है। इसको इससे मल्टीप्ल डायगनली एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ए वन वन ए टू टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, इसी तरीके से करते थे ए टू वन इंटू ए वन टू, ये 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ए इज इक्वल टू वन टू थ्री वन, सपोज ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है फिलहाल, इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस तरीके से लिखेंगे हम वन टू थ्री वन। देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन वन इंटू वन माइनस टू इंटू थ्री, वन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस फाइव, तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको मिल गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने 1x1 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट आपको बताया और 2x2 की मैं जो मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इन दोनों एग्जाम्पल को देख करके आप सोचिए कि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में क्या बेसिक डिफरेंस होना चाहिए। वो बेसिक डिफरेंस क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स में हमने देखा था कि एनी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शंस। जो मैट्रिक्स था वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था जो जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए थे, उसके बाद हम उसमें कोई ऑपरेशन या वो उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस वगैरह लगा सकते थे, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है। तो यही मेन डिफरेंस है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स जो है कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, और डिटर्मिनेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल नंबर होगा, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। अगर ये सारे अंदर आपने नंबर्स लिए हुए हैं तो इट इज़ अ पर्टिकुलर एक कॉन्स्टेंट फिक्स वैल्यू होगी। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स नंबर्स का कलेक्शन है लेकिन डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने 2x2 की मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकाल कर दिखाया। ऐसे ही और देखिए एक क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स आपको दी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। किस तरीके से करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला याद करिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा, अच्छा ये माइनस का साइन एक ऑलरेडी है इसमें, तो इस तरीके से आएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, वन, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो ऐसे ही आप देखिए ये जो मैट्रिक्स थी ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो कलेक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कलेक्शन है। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट इज अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट या फिक्स वैल्यू जो आ रही है। तो यही बेसिक डिफरेंस है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं और उन दोनों मैट्रिसेस सॉरी दो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं और उन दोनों डिटर्मिनेंट्स में रिलेशन दिया हुआ है इक्वल का, ये है थ्री एक्स और एक्स वन, और राइट साइड में जो है वो है थ्री टू फोर वन, थ्री टू फोर वन डिटर्मिनेंट है, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री माइनस एट, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट
एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट एट, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस टू रूट टू, ये आपके एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन को, अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या बनना चाहिए, ये अगर आपको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया होगा तो आपको यहाँ से जो मैंने क्वेश्चंस आपको पहले मैट्रिसेस में बताए थे, मैट्रिसेस में अगर हम देख रहे थे कि कोई दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ रहे थे। यहाँ से x 2 के इक्वल हो जाएगा, x 4 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब x की दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स अगर ये मैट्रिक्स के केस में क्वेश्चन दिया होता तो आपका यहाँ पे आंसर नहीं निकल पाता, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में आपको क्या करना है, उनको पूरा सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके के 2x2 के क्वेश्चन, जो 1x1 और 2x2 की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करें इससे रिलेटेड 1x1 और 2x2। अभी मैंने 3x3 के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में पहले हमको माइनर कोफैक्टर्स वगैरह हमने देखने हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट 3x3 या अदर उसके आगे के डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व होते हैं बाद में हम देखेंगे। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, हमने मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना सीखा था, वो इन्वर्स डायरेक्टली फॉर्मूले से कैसे निकालना है वो हम डिटर्मिनेंट्स में फिर से पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के आपके पास फिर दो मेथड्स हो जाएंगे, आप एग्जाम में अगर कोई भी मेथड मेंशन हो करके नहीं आती तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो वीडियो हमारा बेस था वो था बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1x1 एंड 2x2 के जो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट था वो मैंने आपको बताया। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के।